हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है रोशनी जी का। ये है छतरपुर से, लिखती हैं, नमस्ते लव गुरु जी। नमस्ते रोशनी जी, मेरी उम्र 19 साल है और अभी तक मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही मुझसे कोई प्यार करता है। अपने आप में मस्त रहती हूँ, अपनी पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय देती हूँ। मेरी सारी फ्रेंड मुझे घमंडी कहती हैं, मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं इसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। क्या जरूरी है कि हर एक का बॉयफ्रेंड हो? रोशनी जी, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उनको उड़ाने दीजिए। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार कब, किससे, कैसे हो जाए कुछ पता नहीं होता। क्या पता किसी की बात आपके दिल को कब छू जाए और आपको भी उससे प्यार हो जाए। जब हर चीज का समय होता है। अभी आपका राजकुमार कहीं गुम है, खुद ब खुद एक दिन आपके सामने होगा। तो आप अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करिए, मेहनत करिए। जब आपका प्यारा सा राजकुमार आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ तो देखते हैं आज का दूसरा सवाल। ये है अनमोल जी, हैदराबाद से हैं। ये कहते हैं, मेरी उम्र 28 साल है और मैं अपनी भाभी की बहन से प्यार करता हूँ। 4 साल पहले जब भाभी की बारात में गया तो था, तभी से मुझे एक नजर में भा गई थी। उसका बिंदास, हर एक से बात करना, खुश मिजाज नेचर, चुलबुली सी, सुंदर भी बहुत है। उस टाइम मैं सोच में ही पड़ गया, काश मैंने इसे पहले देखा होता तो दोनों भाई एक साथ बारात लेकर आते। फिर मैंने अपने दिल की बात उसे भी बताई, वो भी खुश हो गई और मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा। हम घर वालों को भी मना लिया, घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था। पर अचानक मेरे घर वाले इस बात से मुकर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी बहन ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो छोटी बहन उससे ज्यादा हमें परेशान करेगी, क्योंकि ये तो लव मैरिज होगी। बड़े बेटे की शादी तो हमने अपनी मर्जी से की थी, जब वो ही हमें इतना परेशान कर रही है। ओह, तो प्यार में रुकावट बन गए हैं पेरेंट्स। कोई बात नहीं, माँ बाप शायद बड़ी बहू से नाराज हैं, मना लीजिए, मान जाएंगे। और कहते हैं ना, प्यार में जब तक पहरे ना हो, रुकावट ना हो, मजा ही नहीं आता। विलन ना हो तो फिल्म के हीरो की अहमियत ही नहीं पता चलेगी। आपकी लव स्टोरी बड़ी आसानी से शादी तक पहुंच गई। थोड़ी कठिनाई से प्यार को हासिल करिए तो प्यार और दोगुना बढ़ता है। आपको अपना प्यार जरूर मिलेगा। माँ बाप हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं, वो जरूर मान जाएंगे। कोशिश करिए, आपको कोशिश करनी होगी, माँ बाप को मनाना होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आज जाते जाते बता दूं, अगर आपके पास भी है कुछ सवाल प्यार से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlehriya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं अगले हफ्ते नए सवालों के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।